तो आज सभी चारों के चारों बच्चे बनने वाले हैं कृष्णा जी, वह और गोलू बनेंगे देवकी और यशोदा। लादा रानी आपकी फ्रेंड्स है ना। भैया लाइट को क्या हुआ? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमारे घर में चार बच्चे हैं जैसा कि आपको पता है। तो आज सभी चारों के चारों बच्चे बनने वाले हैं कृष्णा जी, वह और गोलू बनेंगे देवकी और यशोदा। तो वैसे तो हम देवकी और यशोदा के रूप ही हैं, क्योंकि चीकू को जैसे मैंने जन्म दिया है और गोलू ने पाला है, तो आज हम लोग जो है पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं जन्माष्टमी को। तो आप लोगों को कैसा लगेगा आगे आगे देखते रहना, बहुत कुछ देखने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस ये ड्रेस देख के तो पता ही लग रहा होगा आज हम क्या लुक क्रिएट करने वाले हैं। आज हम लुक क्रिएट करने वाले हैं देवकी और यशोदा का। हमारे चारों बच्चे बनेंगे कृष्णा जी। ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मामी जी लेके आई थी हमारे लिए, दोनों के लिए, मेरे लिए और गोलू के लिए। एक तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है तो हम पहन भी पाएंगे, और दूसरा लुक पूरा इसी से क्रिएट होगा, क्योंकि इसकी जो चोली है ना वो पूरी उस स्टाइल से ही बनी है जिसे पहले पहनते थे ना, उसी स्टाइल से बनी है। ये ऊपर का है और ये अंदर का है। कैसी लगी मम्मा की ड्रेस? कैसी लगी दोनों मम्मा की ड्रेस? अच्छी है ड्रेस ही देख रहे हैं। मुझे ध्यान है इसका ड्रेस में चमचम सुंदर है। गुड मॉर्निंग क्यूटी लादा रानी छोटी सी गुड़िया। चार उंगली खा ले, पाल मम्मा कह रही है चार उंगली खा ले एक साथ। गीन बहन गीन गीन। तो गाइस जब बच्चों का बॉर्न हुआ था ना, तब मैंने ना इनके लिए ये वाले ब्लैंकेट्स मंगाए थे, मुस्लिम ब्लैंकेट्स मंगाए थे, पर अभी तक ना ये ब्लैंकेट यूज नहीं हुए। तो अभी तीन ब्लैंकेट और आ गए हैं, तो मैंने क्या करा है कि ये वाला जो टावल है ना ये बच्चों के लिए निकाल लिया एक ही टावल, बाकी दो टावल मैंने फ्रेश रख दिया, क्योंकि अगर कहीं टूर पे जाना हो कहीं ट्रिप पे जाना हो ना तो होनी चाहिए नई चीजें। और ये ब्लैंकेट भी ना मैं इसके अंदर रखकर इस पूरे पैकेट को बंद कर देती हूँ, मेरे को याद रहेगा कि सारा ब्लैंकेट वाला डब्बा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं बच्चों के एसपी चाचू। चाचू सुनो बच्चों के हैं मामू। अच्छा बच्चों के मामू, तो एक ना बर्फ वाला वो ले लो और चले जाओ। मैं? आप थोड़ी लोगे बर्फ? अच्छा इन्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोल एक रही। वो इसके नए ऑर्गेनिक टावल आए हैं बर्फ वाले, वो ले जाओ। बच्चों के चाचू ये है टावल, ठीक है। इसको क्या करना है, बहुत ही ईजी है, देखो छोड़ो साइड हो, थोड़ा सा कंधा दो ना मुझे, यहाँ पे ऐसे रखना है, और जब बच्चा को बर्फ दिलवाना, क्योंकि ये मिल्क ले चुका है, तो रास्ते में बर्फ दिलवाते लेके जाओ, ठीक है। तो गाइस फिलहाल फार्म पे दो लड़के आ चुके हैं जो कि वहाँ पे देखभाल करेंगे और काम करेंगे, तो उनके लिए कुछ राशन है जो घर से जा रहा है, क्योंकि घर में ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारा स्टॉक रखते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स है घर पे ना, तो स्टॉक में से ही सामान निकाला उनके लिए। ये पैक करवा दे शांति सारा ना, आटा मैं अभी वहीं से भिजवा दूंगी। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 3:30 और ना बहुत तेज ना भूख लग रही है, तो अभी मैं और पाल पहले लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद ना फिर हम लोग होते हैं रेडी, हमने अपनी सारी आउटफिट है वो निकाल ली है, और अभी ना मैंने और पाल ने बहुत प्यारी प्यारी जो वीडियोस है ना बिफोर वीडियोस, जो ट्रांजिशन वीडियोस बोलते हैं जिसको, ट्रांजिशन सही बोला, ट्रांजिशन वीडियोस जो बोलते हैं ना वो हमने शूट कर ली है, तीन मैंने करी है, दो पायल ने करी है, तो वो बनाएंगे। तो सारी की जितनी भी हमारी ट्रांजिशन वीडियोस है ना वो आपको दिखेगी मेरे और पायल के इंस्टाग्राम पर, वो हम वहाँ पर डालेंगे अपने। तो जिनको नहीं पता हमारा इंस्टाग्राम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जाके जरूर फॉलो करो मुझे और पायल को इंस्टा पे। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं कृष्णा जी के कपड़े, तीनों बच्चों के कपड़े। तो गाइस फेस्टिवल टाइम ना इतना अच्छा लगता है ना, बच्चों की पहली जन्माष्टमी है, पहली इनकी रक्षाबंधन था, इनकी पहली दिवाली, पहली होली, सारी चीजें बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने रक्षाबंधन की जो बच्चों की फोटो है ना वो भी क्लिक करके रखी हुई है सारे व्लॉग्स पे, जब बड़े होंगे ना सब एक एक चीज दिखाएंगे इनको। तो गाइज मैंने ना चीकू के लिए विंटर्स के लिए कपड़े मंगा लिए, और सभी को पता है मैं विंटर्स के कपड़े और बच्चों के कपड़े कहाँ से मंगा सकती हूँ, तो मैंने कपड़े मंगाए हैं BMS Kids 1 से, और सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब बच्चे ना तंग हो जाते हैं बहुत सारे कपड़े पहनने में, पर ये अगर यही एक कॉट सेट भी पहनेंगे तो उनको सर्दी से जो है पूरा बच जाएंगे वो। तो सर्दियों के लिए मैंने देखो एक तो ये वाला हुडी वाला मंगाया है, क्योंकि बच्चे टोपा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो हुडी वाले भी मंगाए हैं, विदाउट हुडी भी मंगाए हैं, और सच में इतनी सुंदर, इतना अच्छा स्टफ है ना, इतना अच्छा स्टफ है बहुत ज्यादा। तो अभी सिर्फ चीकू के लिए आए हैं, और अभी तीनों बच्चे के बाकी है, क्योंकि उनका जो स्टॉक है ना वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ना उनका स्टॉक अभी आना भी बाकी है। और ये तो मुझे डॉल्फिन गबाना, और सारे ना ब्रांड के हैं, ये डॉल्फिन गबाना का है, और रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा महंगे भी होंगे, महंगे नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने इनको क्या कहते हैं हुडीज कहते हैं ना स्वेट शर्ट्स भी मंगाई है बहुत सारी चीकू के लिए, इनका स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आपको भी ये सारे ऑर्डर करने हैं ना तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी उनका, और आप जाके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्टॉक है गाइस। तो
गाइज यहाँ पे बन चुकी है खीर पूड़ी और आलू की सब्जी, साथ में हम मक्खन मिश्री का भोग जो सबसे प्रिय होता है कान्हा जी को वो घर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मक्खन बन रहा है। तो गाइज यहाँ पे बच्चों के कपड़े आ गए हैं और ये सारे कपड़े ना मैंने एक बार पानी से निकलवाए थे, पर ये ना अभी भी खड़े खड़े हैं, बहुत ज्यादा खड़े खड़े हैं। और भैया कह रहे थे कि इनको रात भर भिगो के सुबह आपको इनको सुखाना था और प्रेस कराना था, तो मैंने वैसा नहीं किया। चलो इस बार जो है अभी आगे से मेरे को आगे के लिए नॉलेज मिल गई है कि इनको रात भर भिगो के रखना पड़ता है, तो अभी भी खड़े खड़े हैं, नीचे बनियान पहनानी पड़ेगी बच्चों को। तो गाइज यहाँ पे जो है कृष्णा जी रो रहे हैं रेडी होने में। कृष्णा जी रेडी तो होना पड़ेगा, आज आपकी पहली जन्माष्टमी है। एक कृष्णा जी वहाँ वहाँ कर रहे हैं। और यहाँ जो है मैंने यशोदा और हम लोग देवकी बने हैं, देवकी और यशोदा हमारे चार बच्चों की माएँ बने हैं हम। तो बस लिपस्टिक रह गई, बाकी सारा हो गया। चुप कराती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। पकड़ना, मैं पकड़। तो हम कान्हा जी को विराजमान कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी जितनी हो सकी उतनी डेकोरेशन की हमने। मैं नहीं, वो भी। हाँ चीकू ने भी पूरी हेल्प करी है। कान्हा जी आप कुरकुरे खा रहे हो? कान्हा जी कुरकुरे भी खाते हैं? मॉडर्न जमाने में। मैं आगे तो यहाँ पे हमारे हाँ। तीन और कान्हा जी रेडी हैं, तब एक एक गोदी में है शान चार नहीं तीन छोटे रेडी है ना, छोटे हाँ मैं ये मतलब है तीन छोटे रेडी हो गए हैं। आज हम करेंगे थोड़ा सा डांस, क्योंकि आज है कन्हैया जी का बर्थडे, तो उसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सारे लोग आ चुके हैं और भाभी आई है, आंटी आई है। एक मिनट में मैंने फोन किया प्लीज आ जाओ, तो आंटी एक मिनट में आ गई, भाभी भी आ गई और एक और है जिनको हमने मम्मी बोला हुआ है वो भी आ गए। इन्होंने शुगर की दवाई खा ली थी, फिर भी बोला चलो मैं आती हूँ, तो फिर भी आ गए। और ये वॉक कर रहे थे, ये भी चेंज करके आए अभी घर से। चलो शुरू करते हैं। पर आपने बहुत ही जल्दी साड़ी फटाफट रख रख रहा है। एक घंटा हो गया, एक घंटे से ना मेरी जो चुन्नी है वो सेट नहीं हो रही, सबको पता है। तो मैंने पायल को बोला है, मैंने कहा पायल एक काम कर तू फाइनली चुन्नी सेट कर दे, क्योंकि जिस तरीके से लेते हैं ना वो तरीका मुझे आ नहीं रहा था। तो ठीक है पायल, अब ये रुक जा, बहुत सुंदर है। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ हो गया, बड़ी देर से परेशान कर रखा था। आपकी फ्रेंड्स है ना भैया, लाइट को क्या हुआ? देख रहा हूँ, करता हूँ जल्दी करो। ये माखन मिश्री का भोग लगा दिया सभी लोगों ने, खीर का भोग लगा दो चीकू, भोग लगा दिया, खीर का भी लगा दिया। अबे यार माखन मिश्री खा लो, माखन मिश्री खा लो, माखन मिश्री लेके आओ भैया इधर। मैं नहीं खाऊंगा माखन मिश्री, खाओ। इसका तो मुँह ऐसा जैसे इसने माखन मिश्री खाया। मैं भी यही बात ही बोल रहा हूँ, लड्डू खाओ, लड्डू को पाल, लड्डू खाएंगे। ये लो जी कान्हा जी, लो। कैसा लगा कान्हा जी? चलो अब सबको बांट दो प्रसाद। हाँ पायल और मक्खन मांग रहा है। नहीं नहीं बस इससे ज्यादा नहीं, इसको तो देख ले नंदू वाला, नंदू। तो अभी ना क्या बच्चों का मुकुट उतार दे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, बच्चे परेशान ना हो, तो मैं पहले निकाल दिए। शर्म आ रहा मेरे सर पे, देखा मैंने। चलो केक काट दे, बोलो लक्ष्य आपको केक खिला। कान्हा जी है, इन्होंने अभी तक अपना मुकुट कायम रखा हुआ। नीचे रखू क्या, कहाँ पे रखू? साथ साथ बस हमारा ना फटाफट ऐसे ऑन द स्पॉट प्रोग्राम बन गया, पहला ऐसे ऑन द स्पॉट बन गया। आंटी आई थी अभी, आंटी जी ऐसी आई थी ऊपर, तो वो वॉक कर रहे थे, तो उनको पता चला ना हल्का सा प्रोग्राम है, तो फिर वो कहते हैं मेरे को ना 20 मिनट का टाइम दो, मैं आती हूँ सारे लपेट के आती हूँ। तो फटाफट 20 मिनट कहीं से नहीं लग रहा। मैं बेटे किचन से निकल के और गाड़ी में बैठे तक मैं 10 मिनट चाहिए होते थे मुझे, बस मुझे ना सीखनी आपसे साड़ी बांधना, साड़ी मुझे सिखाऊंगी ना। ठीक है, नहीं है भूख और खा लू, मेरे को तो नहीं बहुत लगी हुई। आप और बूढ़ी नहीं खाती, खाओ। कैसा बना भूख? एक नंबर है, मजा। कैसे बात
आता है, चाहे कोई भी खीर बनी हो, बट जो भूख की खीर होती है ना उसका स्वाद अलग ही होता है। वो अलग ही होती है। देखो कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। और भाभी बता रही थी जो मैंने लड्डू बनाया था, गाइस मैंने लाइफ में ना पहली बार बेसन के लड्डू बनाए थे, और भाभी ने और सभी ने तारीफ करी कि बहुत अच्छे बने थे। और मुझे बनाते हुए ये हो रहा था कि मीठा मीठा हो रहा है पूरा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, पर एग्जैक्ट मीठा जितना होना चाहिए उतना ही। तो पायल ने ना मुझसे दो तीन बार पूछा कि गोलू कैसे लड्डू बने, मैंने कहा पायल बहुत टेस्टी बने, तू कह रही ना गोलू सच्ची, इसको लगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर जब सबने तारीफ करी ना तो इसको यकीन हुआ। और देखना हेयर स्टाइल का क्या बन गया, तो गाइस बहुत ही बुरा सा हेयर स्टाइल हो गया, क्योंकि वैसे तो बनाया बड़ा सुंदर था पर गर्मी ऊपर बहुत ज्यादा थी, बच्चों के साथ थोड़ा परेशान हो गए। तो गाइस यहाँ पे तीनों कान्हा जी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत बहुत लोई लोई कर लेते, बहुत ज्यादा लोई लोई कर लेते, लोई लोई झुंदरू बाबू मेरा झुंदरू बाबू, सोना पांच तोडू चोनी गुद्दी मिले जोनी गुद्दी, कान्हा जी बनी थी जोना गुद्दू, अभी कान्हा को चेंज करा दिया। तो गाइस बस अभी जैद नहीं सोया, बाकी दोनों बच्चे तीनों बच्चे सो चुके हैं, चीकू अयान और तुबा, बस जैद नहीं सोया। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।